उसमें ख़ासतौर पे वो लोग जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे, उनको साजो सामान दे रहे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा रहे थे, उस तरह के लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ जारी है और भी क्ल्यूज तफ्तीश के दौरान मिल रहे हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। सर, मॉडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह से हमला हुआ, क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्या स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लेकर अगले पड़ाव पे पहुंच गई है, किस तरह का मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया है, स्नाइपर की बात आ रही है। देखिए, इस एरिया में जहाँ जो ऑपरेशन हुआ, पहले तो लोकेशन की जो रैकी करना और उसको अच्छे से समझने के बाद उस एरिया को चूज करना, जहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग जीरो के करीब आ जाएगी, डाउनहिल है बिल्कुल, कल का एकदम शार्प टर्न है यहाँ पर गाड़ी है, और आपको आड़ लेने की जगह है, उसी आड़ के तहत टेररिस्ट रोड के करीब आकर के उन्होंने मुछ लगाया। मुझ लगाने के बाद तो फायरिंग हुई, जो आज जो वहाँ पर चल रहे थे गाड़ी में उनका नुकसान हुआ, वो जख्मी हुए और उनको जख्मी हालत में जो थे उसी वक्त उन्होंने फिर गाड़ी को भी आईडी लगा करके गाड़ी को आग लगाई और गाड़ी को ब्लास्ट किया। इस तरह की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो बड़ी अच्छी, एक रैकी के बाद, एरिया की रैकी के बाद जगह की सिलेक्शन हुई है और लगता है कि उनका कोई नेटवर्क ऐसा होगा जिसके ज़रिए से गाड़ी के चलने की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की उनको मालूम था, और अपनी पोजीशन उन्होंने बारिश के बावजूद भी और दिन गड़े भी पड़ रहे थे उसके बावजूद भी वो पोजीशन ली और इस तरह का नुकसान वहां पर हुआ। सर, कॉन्वॉय जो है वो अटैक कॉन्वॉय निशाने पे थी। देखिए, एडम की कार्रवाई ड्राई डे और नो ड्राई डे चलती रहती हैं, छोटी मोटी ऑपरेशनल एक्टिविटीज एरिया में जगह जगह पर हमारे कैंप पे वो चलती रहती हैं, या उसमें रक्की कार्रवाई के लिए थी या इसके लिए थी, इस तरह की बात अभी तफ्तीश में नहीं सामने आई है। इस तरह की तो सामान इफ्तार का था या नहीं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर, कितने टेररिस्ट इन्वॉल्व, 2001 के बाद इस तरह का इंसिडेंट राजौरी के अंदर हुआ, 2000 की जो इन्वॉल्वमेंट है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कि तीन लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, 3 से 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है और अभी तफ्तीश चल रही है और मुझे लगता है कि ये चीजें आने वाले वक्त में। स्टील कोड पीर पंचाल रेंज की अगर बात करें, पूरे पीर पंचाल रेंज के अंदर कितने टेररिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2001 के बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ, 2001 में ही राजौरी के अंदर 14 जवानों को शहीद किया गया था, बिल्कुल इसी तरह का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद दोबारा 2023 में इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्या मानते हैं कितना टेररिस्ट? जहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान से इस तरफ आते हैं रहती है, काफ़ी महीन इस तरह की जो मनीशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है, और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया, डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो, तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी। सर, हर बार लोकल सपोर्ट की बात आती है, लोकल सपोर्ट होती है तो कितना सतर्क रहना चाहिए? देखिए, लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अभी भी इस में जो हमने पकड़ा एक मॉड्यूल पूरा जो इन्वॉल्व है, जो इनको पिछले 2-3 महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है, निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे, इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के ज़रिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया, उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अमनीशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी जरूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा, और ज़्यादातर ये ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगल के करीब होती हैं और जहाँ पर इनको सपोर्ट भी मिलती रहे और इनको स्केप करके जंगल में जाकर के वहाँ पर रहने की हाइडआउट्स का मौका भी मिल जाए। ज़्यादातर ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर नेचुरल हाइडआउट्स अवेलेबल हैं, उसी ऑपरेशन के तहत हम लोग कार्रवाई के तहत ही जगह देख रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ भी नेचुरल हाइडआउट हो उनकी हम निशानदेही करें और इनके आने वाले टाइम पे जो जहाँ पर ये रहने की जगह है उनको निशानदेही करें। सर, ड्रोन की तरफ से कहा कि आपने ड्रोन यूज़ करके ड्रॉपिंग की गई, किस तरफ जो है ड्रॉपिंग की गई थी, क्या जम्मू में ड्रॉपिंग की गई थी, यहाँ पर असला आया या फिर इसी एरिया में ड्रॉपिंग हुई थी, उस एरिया का अभी हम लोग पूरा अभी जायजा ले रहे हैं, मौके पर ले जाके देखेंगे इनको कि कहाँ पर सामान आया था, मगर काफ़ी वारदातें ड्रोन की रजौरी और पुंछ के एरिया में हो चुकी हैं,
जिसमें इनकी सप्लाई जो है पाकिस्तान से सीधी आती है। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ कैसे है, तो जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लोकल सपोर्ट जहाँ इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेते हैं, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से असला अमनीशन राशन पानी और बाकी चीज़ें पैसे कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसी जिसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है काफ़ी हद तक, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर लंबे सामान आया था मगर काफ़ी वारदातें ड्रोन की रजौरी और पुंछ के एरिया में हो चुकी हैं जिसमें इनकी सप्लाई जो है पाकिस्तान से सीधी आती है। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ कैसे है, तो जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लोकल सपोर्ट जहां इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेते हैं, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से असला अमनीशन राशन पानी और बाकी चीज़ें पैसे कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसी जिसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है काफ़ी हद तक, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर लंबे अरसे से पहले दहशतगर्द रहा है, 90s में ये कोई जहाँ पर पाकिस्तानी दहशतगर्द कमांडर यहाँ लश्कर का काम करता था उस वक्त भी उसके OGW का काम करता था, ये पहले से भी हमारी नज़र के नीचे था, इसको पुलिस उठा के दो तीन बार पूछताछ कर चुकी है, हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले भी मौजूद था, इस बार भी इसके ऊपर शक था, इसको उठाया गया और कुछ कॉरोबरेटिंग एविडेंस मिला जिसकी बुनियाद पर इसकी पूछताछ हुई और पूछताछ की बुनियाद पर ये माना गया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसके फैमिली के बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। क्या कुछ और भी लोकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? और भी इन्वॉल्वमेंट का हमें शक है क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से जगह हुई है वो कैमरा पीछे अभी हम देख रहे हैं क्योंकि इनको रखा कहीं और गया यार, ये देखना और अटैक किसी और जगह से जाके किया, मैं पीछे करता हूं आप लोगों नहीं चलेगा, कोई और मॉड्यूल जो इनकी मदद कर रहा था या इसी मॉड्यूल के तहत हुआ अपने बड़ी कामयाबी मानते हैं सर ये जो मॉड्यूल बस अभी ये जांच के दायरे में सब चीज़ें हैं, जो चीज़ सामने आएगी उसके बारे में। सर कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं जो मॉड्यूल बस हुआ? देखिए कामयाबी तो तफ्तीश के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी कामयाबी है, हमें बिल्कुल जो केस को एक प्रोडक्शन मिली है कि केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये लोग आए, कैसे ये लोग रहे, कैसे इनकी मदद हुई, कैसे टेरर अटैक प्लान हुआ, कैसे लॉजिस्टिक्स अरेंज हुए, उन सब चीज़ों में केस की अगर इससे देखें तो काफ़ी बड़ी कामयाबी है, मगर अगर जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर देते जो उस अटैक में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि ये कामयाबी क्या उस पर कुछ लॉन्चिंग पैड एक्टिव है अभी? ऑब्वियसली लॉन्चिंग पैड एक्टिव है तो तभी ग्रुप इस तरफ आते हैं उस तरह की कार्रवाई करते हैं।